वेल तो जी, हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है, तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है, एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे, ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूजिक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूजिक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं,
तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30 to 60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का
यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजीरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सबने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मींस 30 टू 60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं,
आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है।
उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूजिक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूजिक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की
टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मींस 30 टू 60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का
यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूं क्योंकि मैं ख़ुद एक सीरीज़ लवर हूं, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रज़ा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं,
आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का, यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड IMDB रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है।
उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूजिक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूजिक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमेटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है, एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं।
तो बहुत अच्छी सीरीज बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सबने प्ले किया है।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड IMDb रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है। एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग ईजीली देख पा रहे थे, ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूं क्योंकि मैं ख़ुद एक सीरीज़ लवर हूं, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रज़ा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30 टू 60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं,
थ्रिलर सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड IMDB रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDB रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDB रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईज़िली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की, कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया,
गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर
प्योर हिंदी जुबान एंड इस सीरीज को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला है। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सबने प्ले किया है।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड IMDb रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है। एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30 to 60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग ईजीली देख पा रहे थे, ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूं क्योंकि मैं ख़ुद एक सीरीज़ लवर हूं, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रज़ा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं,
थ्रिलर सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईज़िली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की, कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया,
गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी जुबान, एंड इस सीरीज को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सबने प्ले किया है।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड IMDb रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है। एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग ईजीली देख पा रहे थे, ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूं क्योंकि मैं ख़ुद एक सीरीज़ लवर हूं, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रज़ा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईज़िली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं,
थ्रिलर सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईज़िली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की, कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया,
गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी जुबान, एंड इस सीरीज को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सबने प्ले किया है।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड IMDb रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है। एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग ईजीली देख पा रहे थे, ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईज़िली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं,
थ्रिलर सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की, कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया,
गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर
प्योर हिंदी जुबान एंड इस सीरीज को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड IMDb रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी IMDb रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है। एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है। किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था। आप लोग ईजीली देख पा रहे थे, ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी। आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद हैं
थ्रिलर सीरीज आप लोग देखना चाहते हैं तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मींस यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी, एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई, एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी, एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ। तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है, एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है, एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 out of 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इस गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है, एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं, एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट 40 मिनट 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है। मींस 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है, एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी ज़ुबान, एंड इस सीरीज़ को प्योर हिंदी ज़ुबान में रिलीज़ भी कर दिया गया था, आप लोग ईज़िली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज़ नहीं किया गया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़नी प्लस हॉट स्टार पर ही रिलीज़ की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ़ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ बनाई गई है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मरतबा तो डेफ़िनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोज़र की, कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया,
गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमेटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एक्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए। वेल, तो जी हिस्ट्री पर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके बाद हमने एक्शन और भी बहुत सारी वैसे ही मूवीज़ देखी हैं, रोमांटिक बहुत सारी मूवीज़ देख ली हैं, लेकिन आर्मी बेस पर अभी फाइनली मूवीज़ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। मूवीज़ देख देख कर अगर आप लोग उकता चुके हैं कि यार ठीक है वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन जो है वो मूवीज़ में घुसा देते हैं, आई नाउ कि आप लोगों को क्या लगता है कि बॉलीवुड इस तरह की मूवीज़ ही बस ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग सीरीज़ के फ़ैन बन चुके हैं एंड आप लोगों को सीरीज़ पसंद है, थ्रिलर सीरीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस सीरीज़ के यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर जो है वो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्यारी सीरीज़ जो कि साल 2023 में ही रिलीज़ की गई थी एंड उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नेम है जी द फ्रीलांसर्स। जी हाँ, द फ्रीलांसर सीरीज़ जो कि बहुत ही एक अच्छी सीरीज़ बनाई गई है एंड उसमें आप लोगों को एक बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक कंसेप्ट भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई, कहाँ पर बनाई गई, किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली हम किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे, स्पेशली ये यूट्यूब पर एंड हमें हिंदी में देखने को मिल रही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एक मरतबा तो लाजमी से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के और भी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं साल 2023 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी सीरीज़ यहाँ पर द फ्रीलांसर के बारे में। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कास्टिंग की, कि इस सीरीज़ की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सीरीज़ भी अच्छी ही होगी एंड अगर कास्टिंग ही अच्छी ना हो तो यार सीरीज़ देखने में मज़ा भी नहीं आता। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक सीरीज़ लवर हूँ, तो आप लोग भी इस सीरीज़ लवर को यहाँ पर जो है वो प्यार दीजिएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जी बढ़ते हैं स्टारिंग की तरफ, तो यहाँ पर मोहित रायना, उसी के साथ साथ अनुपम खेर का यहाँ पर कश्मीरा प्रदेश देखने को मिलेंगे, उसी के साथ साथ मंजिरी देखने को मिल जाएगी, सारा जैन देखने को मिलेगी, आयशा रजा देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की स्टारिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी की सारी मूवी को जो है वो डायरेक्ट तो किया है एंड यहाँ पर अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से सब ने प्ले किया है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है एंड आईएमडीबी रेटिंग क्या है। तो इस सीरीज़ की जो आईएमडीबी रेटिंग है वो है जी 8.2 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इस सीरीज़ की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसे गूगल के यूज़र्स की तरफ से कितने परसेंट तक लाइक किया गया, तो इस सीरीज़ को यहाँ पर गूगल के यूज़र्स की तरफ से 93% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। अभी हम बात करते हैं कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नंबर ऑफ़ एपिसोड्स कितने हैं एंड कितने सीजन्स आ चुके हैं, तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी के सारे जो सीज़न आए हैं वो अभी तक एक ही सीज़न है एंड इसके नंबर ऑफ़ एपिसोड्स की बात करें तो वो है जी 4 एपिसोड। जी हाँ, एक सीज़न के 4 एपिसोड हैं एंड हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, किसी की 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन जाती है, मीन्स 30-60 मिनट के राउंड अबाउट इस सीरीज़ की हर एक एपिसोड की टाइम ड्यूरेशन में हम काउंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई गई है जिसमें आप लोगों को आर्मी देखने को मिलेगी एंड बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी है एंड हम इसे किस लैंग्वेज में एंड कहाँ पर देख पाएंगे। तो इस सीरीज की जो लैंग्वेज है वो है जी प्योर हिंदी जुबान, एंड इस सीरीज को प्योर हिंदी जुबान में रिलीज भी कर दिया गया था, आप लोग इजीली देख पा रहे थे। ये किसी भी सिनेमा में रिलीज नहीं किया गया था, ये सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही रिलीज की गई थी, आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जाकर देख पा रहे थे। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई गई है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को एटलीस्ट एक मर्तबा तो डेफिनेटली देखना चाहिए। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन को किसने संभाला। तो इस सीरीज़ की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को संभाला है जी भाव धुलिया ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी की सारी डायरेक्शन को कंट्रोल किया है। उसी के साथ साथ हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो स्टोरी लाइन को किसने लिखा है, तो नीरज पांडे और रितेश शाह ने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा है। उसी के साथ साथ हम बात करें थीम कंपोजर की कि म्यूज़िक को किसने संभाला, तो संजय चौधरी ने इस मूवी की यहाँ पर जो है वो म्यूज़िक को अरेंज किया है। उसी के साथ साथ प्रोड्यूसर्स पर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को शीतल भाटिया, गौरव बनर्जी, महेश मेनन और वरुण मलिक देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। सिनेमाटोग्राफी को यहाँ पर अरविंद सिंह, सुधीर पलसाने, तोजो एग्जेवियर और उसी के साथ साथ एडिटिंग को यहाँ पर प्रवीण ने संभाला है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाली गई है। तो प्रोडक्शन कंपनी में आप लोगों को फ्राइडे स्टोरी टेलर्स देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। तो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग इसे एक चांस लाजमी से दीजिए।